अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं शेफ अहमद शेर। और आज क्या पकाएं सेगमेंट में, आज पकाते नहीं है, आज बनाते हैं और पीते हैं। और गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में जहां तक हम लोग ये होटलिंग और ये बाहर जाना आउटिंग शाम को या फिर इवनिंग में, तो वहां पे खाने के बजाय ज़्यादा जो फोकस होता है वो पीने पर होता है। और आजकल पिछले कुछ अरसे से बहुत ट्रेंड चल गया है कि जी मिंट मार्गरेटा पीते हैं। और मिंट मार्गरेटा अब क्या है, इसमें कितनी चीज़ें डलती हैं, कौन सी इतनी मुश्किल या रॉकेट साइंस वाली रेसिपी है कि हम बाहर जाके इतना महंगा मिंट मार्गरेटा पीते हैं, क्यों पीते हैं। भाई टाइम भी थोड़ा सा अच्छा गुजारना होता है और फिर दूसरे के हाथ के जायके और जो मज़ा होता है वो भी लेना होता है, काम भी नहीं करना पड़ता, लेकिन पैसे ज़्यादा देना पड़ते हैं। आपको मिंट मार्गरेटा मार्केट में ढाबे से शायद 150-200 का मिले, लेकिन अगर आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में पियेंगे तो 300 से ऊपर का ही आपको मिलेगा, प्लस टैक्स अलग होगा। तो मिंट मार्गरेटा के लिए चाहिए क्या, हमें मिंट चाहिए यानी पुदीना चाहिए, जो कि माशाल्लाह अगर अब की बात की जाए तो इतना पुदीना है इस वक्त पाकिस्तान में जिसकी कोई हद नहीं। माउथ फ्रेशनर भी है और ये आपके एलर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके अलावा रिफ्रेशिंग है और कलर तो डेफिनेटली बहुत मज़े का। एक तो चाहिए हमें पुदीना थोड़ा सा वाफर मकदार में। मैंने क्या किया कि अपने लिए कोशिश की कि जल्दी से इसको पहले एक शेप दूँ और चीज़ें सामने जो है वो रेडी करके रख दूं ताकि बनाने में कोई मुश्किल ना हो। एक जग के लिए अगर आपने बनाना हो तो वो रेसिपी भी आपको मिल सकती है, लेकिन एक गिलास के लिए तकरीबन 10 पुदीने के जो पत्ते हैं हमें वो चाहिए। और इससे बेहतरीन किस्म का जो मिंट मार्गरेटा है आपका वो बनेगा। तो 10 पत्ते ये हमें चाहिए। इसके अलावा लाइम अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर लाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लेमन जूस या कोई भी नींबू जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक आपको थोड़ा सा चाहिए, बर्फ़ आपको अच्छी खासी चाहिए। देखिए कि बर्फ़ को मैंने अच्छे तरीके से क्रश किया हुआ है पहले से। और क्रश किस चीज़ में आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं जी जो आपका ब्लेंडर जूसर जो भी है आप उसमें, आप अगर तो इसमें से 2 गिलास बनाना चाहें तो आप बना लें, और अगर आप चाहें तो 1। अच्छा, लेमन जूस चाहिए हमें मिंट मार्गरेटा के लिए, पुदीना चाहिए जो कि हमने पहले से ग्राइंड किया हुआ है, और उसके साथ साथ अगर तो आपने चीनी शामिल करनी है, शुगर डेफिनेटली सिरप चाहिए होता है। अगर तो आप उसमें सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है कभी के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपने हेल्दी पीना है, अच्छा करना है और आप चाहते हैं कि इस गर्मियों के मौसम में आपको रिफ्रेशिंग फील हो, तो फिर आप अगर वो सोडा नहीं डालते, पानी ही डाल लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमें चाहिए जी 1 गिलास के करीब जो है वो बर्फ़, जिसमें कि हमने कुछ भी नहीं शामिल किया सिवाय सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें शामिल किया है जी पानी थोड़ा सा। इसके बाद हमें चाहिए लेमन और थोड़ा सा नमक, नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून से, अगर आपने एक जग बनाना है तो 1/2 टीस्पून चाहिए होगा, लेकिन अगर आपने 1 गिलास बनाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी नमक जो है वो चाहिए होगा। उसके बाद आपको लेमन जूस चाहिए और फिर आप बेहतरीन किस्म का जो है मिंट मार्गरेटा जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा, अगर आप देख लें कि रेसिपी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आपने इसको मज़ीद क्या करना है, आप चाहते हैं जी कि ये कलरफुल और ग्रीनिश कलर जो है वो इसमें दिखे ज़्यादा, तो आप पुदीना थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। और एक और ट्रिक वो ये कि अगर पुदीने को आप बर्फ़ के साथ या ठंडे पानी के साथ ब्लेंड करेंगे तो कलर इसका बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग और कूल आएगा, ग्रीनिश कलर आएगा और मज़े का होगा, तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद आपने इसको क्या करना है कि गार्निश कर देना है आपने सिर्फ पुदीने से। और लेमन जूस जो है ऑलरेडी मैंने क्या किया जी कि इसमें शामिल किया, किस चीज़ में, जो मेरे पास ये वाला जूसर है कि इसमें मैंने ये किया कि लेमन जूस जो है वो साथ में ही शामिल किया हुआ है, तो ये हमने इसमें 1 चम्मच और ये 2 चम्मच जो है हमने लेमन जूस प्लस जो हमारे पास चीनी है या शुगर सिरप है हमने वो शामिल किया। तो हमारे पास रेसिपी जो है वह बिल्कुल रेडी है। टोटल आपको कितने मिनट लगेंगे, मेरे ख्याल में अगर आप अपने किचन में बनाएंगे तो मैक्सिमम आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे। और अगर आपने यही रेसिपी इसी तरीके से फॉलो करना है, पहले से आपने पुदीना रखा हुआ है और आपके पास सिरप पड़ा हुआ है, नमक और मिला लें और फिर उसके बाद 1 मिनट आपको लगेगा। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और रिफ्रेशिंग ज़रूर है, तो आपने ज़रूर बनाना है। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक और रेसिपी के साथ हाजिर।